जितनी भी सोशल एक्टिविटीज होती है, चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, कुछ धार्मिक आयोजन हो, मंदिर वगैरह में बनवाना करना, तो मैंने उनको हमेशा से देखा है ऐसे दान पुण्य इस तरह के काम करते हुए। तो जब मुझे इस बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि उनकी स्मृति में अगर हम ये सम्मान किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं जो दिवंगत आत्मा है उन्हें भी खुशी होगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो आज भी मुझे याद कर रहे हैं। और लोगों तक ये जागरूकता भी जानी चाहिए कि हमारे घर परिवार के जो लोग हैं, जिस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मन्ना जी का जो कॉन्सेप्ट है कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसे अपनी पुरानी पीढ़ी के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने क्या योगदान समाज में दिया, क्या घर परिवार में दिया। तो ये सब जो मुझे कॉन्सेप्ट था ये बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने ये किया। और आगे भी इस तरह की चीजें अगर होती हैं और ये हमारा आरजेएस परिवार करता है तो मैं चाहूंगी कि ये चीजें निरंतर ऐसे ही चलती रहें और प्रगति करें। आरजेएस वाणी में आप सभी आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया का स्वागत है। आप जानते हैं कि आरजेएस वाणी में हम लोग सकारात्मक समाचार या सकारात्मक सूचनाएं साझा करते हैं, और आज खुशी की बात है कि एक ऐसी शख्सियत जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पुस्तकों के लेखक हैं, मनोहर मनोज जी। मनोहर मनोज जी, जय हिंद। जय हिंद। मनोहर मनोज जी, मुझे पता चला है कि आपने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय का अध्ययन किया है, काफी समय लगाया है आपने। और आप ये जानकर सबको खुशी होगी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है वो घोषित किया गया है। लेखिका श्रीमती रिंकल शर्मा जी ने अपने पिताजी की स्मृति में ये अवार्ड घोषित किया है। आगामी आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में ये प्रदान किया जाएगा। तो सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी पद्म भूषण से सम्मानित साहित्यकार रहे हैं, और संस्कृति के चार अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और जी कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, ये वीर रस के कवि के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृति को लेकर जो चार अध्याय उन्होंने लिखा है, संस्कृति के चार अध्याय, तो इसको पढ़कर या मतलब कैसे प्रेरणा मिली कि भारत की संस्कृति को जानने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति को पढ़ा जाए? देखिए, जो गंभीर किस्म की रचनाएं होती हैं, जिसका कि समाज से व्यापक सरोकार होता है, राष्ट्र से व्यापक सरोकार होता है, जनजीवन से व्यापक सरोकार होता है, तो कई सारी किताबें मैंने पिछले करीब 6-7 साल में पढ़ी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम एट मिडनाइट, गांधी जी का एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कुलदीप नायर का बियॉन्ड द लाइन, तो इस तरीके की किताबें। फिर जो है श्रीलाल शुक्ल की जो बहुत बड़ी रचना है राग दरबारी, तो मेरे ये टारगेट में था कि रामधारी सिंह दिनकर की ये सुप्रसिद्ध पुस्तक भारतीय संस्कृति के चार अध्याय मैं जरूर पढ़ूंगा। पहले से ही मुझे मालूम था कि इस पुस्तक की का जो पूरी जो स्ट्रक्चरिंग की गई है, चार अध्याय, यानी पहला प्राग वैदिक वैदिक काल में जो हिंदुत्व का कालखंड था, जिसमें कि आर्य भी थे, अनार्य भी थे, द्रविड़ भी थे, उत्तर भारत भी था और दक्षिण भारत भी था, सबका एक संश्लेषित स्वरूप जो है वह हिंदुत्व में उत्प्रकटित हुआ। और उसके बाद जो हिंदू धर्म में, खास करके जो आर्य कल्चर में जो कई सारी विकृतियां आई, जैसे कि हिंसा का समर्थन करना, बहुत महंगे यज्ञ करना या पुरोहितवाद का आगमन, तो फिर उसके खिलाफ समाज में जो क्रांति हुई वह क्रांति जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में प्रकटित हुआ। जी, और बुद्ध और मतलब जैन, वहां पर मैं जानना चाहूंगा कि जो एक सांस्कृतिक क्रांति कही जाती है वो भी चार भागों में, तो क्या उसी पर आधारित है ये? जैसे आर्य आए वो एक सांस्कृतिक क्रांति थी, इसी आधार पर ये किताब लिखी गई है? मतलब कि आर्य या आर्य के पहले जो प्रारंभिक काल है, जो पूरे समाज को डिक्टेट कर रहे थे, पूरे जनजीवन को, पूरी राजनीति को, पूरी संस्कृति को, पूरे रहन सहन को, तो वो उसका एक बहुत बड़ा कालखंड था। उसके बाद बुद्ध और जैन का कालखंड आता है जो करीब हजारों साल तक चलता है, और फिर उसके बाद भारत की जो अस्मिता का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप तैयार होता है, क्योंकि बुद्धिज्म भारत के बाहर भी गया, उत्तर एशिया में, पूर्व एशिया में, और उसके जरिए भारतीय संस्कृति और भारतीय जनजीवन भी बाहर गया। जैन, हालांकि वो भारत देश की सीमाओं में ही सिमट करके रह गया, तो कहीं ना कहीं ये एक एक शुद्धिकरण का जो अभियान था,
और फिर से वो पुनः हिंदू से बौद्ध और बौद्ध से हिंदू की प्रक्रिया चली। और फिर जो है 10वीं शताब्दी के आसपास जो इस्लाम का आगमन होता है और उसकी जो भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव पड़ता है, भारत की सीमाओं के जरिए, भारत के कल्चरल एक्सचेंज के जरिए, व्यापार के जरिए, और भारत की जो समाज व्यवस्था जो तमाम वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था में बटी हुई थी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म ने उठाया, और भारत की वो तमाम जातियां जो निम्न जातियां थी उन्हें कहीं ना कहीं इस्लाम में प्रवेश करने का एक ऐसा अवसर मिला, और जिसका उन्होंने एक तरह से इस्लाम धर्म ने फायदा भी उठाया। और फिर जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का काल आया, कई सारे लुटेरे आए, फिर जो है केंद्रीय राजनीतिक सत्ता में जो एक मुस्लिम रूल आया उसका प्रभाव भारत की संस्कृति पर भी काफी लंबा चौड़ा पड़ा। और फिर जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में जो यूरोप का आगमन हुआ, जो डच आए, पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, और फिर जो है ब्रिटिशर्स आए, ये चार लोगों का आगमन हुआ, और इन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को जो प्रभावित किया, यहाँ के साहित्य में, संगीत में, राजनीति में, चित्रकला में, संगीत कला में, लोगों की आस्थाओं में, धर्मों में, वास्तुकला में, और तमाम तरह के निर्माण कला में, लोगों के खान पान, व्यापार, वेशभूषा। तो रामधारी सिंह दिनकर ने पूरे भारत के 5,000 साल के इतिहास के जीवाश्म को अपने पुस्तक के जरिए जीवित किया है, और यह पुस्तक उनकी तमाम रचनाओं में, जैसा कि आपने कहा कि वो वीर रस के कवि थे, उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव, मिथक और पुराण को लेकर के बड़ी ही मतलब कि ख्याति प्राप्त रचनाएं की है, खासकर और वो सब महाभारत के इतिहास लिए। के सब महाभारत इतिहास के पात्र होते थे। जी मतलब कि महाभारत में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, जयद्रथ वध, ऐसी कई रश्मि रथी रचनाएं हैं जो उनकी बड़ी विख्यात है, जी, और वो कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि जो है वो महाभारत काल की भी होती है। इसमें लेकिन नजरिया संस्कृति क्या था मनोहर मनोज जी, इसमें जो लिखने का नजरिया था वो और क्या? संस्कृति के 4 अध्याय में हाँ, एक वो समाचार की भारत तरह। की नहीं, वो दरअसल भारत की संस्कृति का पूरा स्वरूप हमारे सामने बड़ी ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ और वस्तुनिष्ठता के साथ, जी क्योंकि इसमें शोध है, संकलन है, संयोजन है, जी और इसको इन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया है। वो कहीं यह नहीं बहके हैं कि मैं हिंदू मतावलंबी हूँ तो हिंदू के तमाम कुरीतियों के खिलाफ चुप बैठ जाऊं, क्योंकि भारत में पिछले 6,000 सालों में लगातार मंथन हुआ है। तो क्या और ये कहीं भ्रमण एक भी करने गए जगह जगह? भ्रमण का इस किताब से कोई वास्ता नहीं है। जी इस किताब का, हालांकि हम सब जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, उन्होंने पूरा देश घूमा है और कई सारे विदेशों की भी यात्राएं की हैं, जी, 2 टर्म वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, नौकरी भी किया उन्होंने, और प्राध्यापक उन्होंने नौकरी भी किया है भागलपुर बिहार सरकार विश्वविद्यालय में। में हाँ, उपकुलपति बिहार के पद सरकार पर में, भी थे। जी हाँ, और वो लंगट सिंह कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे हैं। जी तो लेकिन उनकी विद्वता को तो पूरा सलाम है, जी क्योंकि जी संस्कृति के 4 अध्याय में लेखक ने स्वयं लिखा है कि मैंने आज तक अपने किसी भी काव्य की रचना के लिए पाठकों से अनुरोध नहीं किया कि आप पढ़ें, लेकिन मैं इस पुस्तक के लिए इसलिए अनुरोध करता हूं कि मैंने पूरे 5 साल दिन रात मैंने इस किताब की रचना में लगाया है, क्योंकि मैंने भी किताब पढ़ करके देखा है, यह किताब जो है आसान किताब नहीं था। जी इन्होंने इतने देश के बड़े महापुरुषों के तमाम प्रसंगों के, तमाम इतिहास के घटनाक्रमों के, और तमाम जो अलग अलग तरीके से जो चीजें बढ़ी, तमाम पुस्तकें आई, कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, फिलोसोफर, बड़े बड़े आध्यात्मिक संत, मुनि, राजनेता, विद्वान, जो भारत की भूमि पर आए, भारत की धरा पर आए, अनेक अलग अलग युगों में, अलग अलग कालखंडों में, सबका सिलसिलेवार वर्णन है, और उन्होंने इस किताब के जरिए दिखा दिया है कि भारत की जो ये 5-6 हजार साल की जो सभ्यता, संस्कृति और इतिहास है वो कितना रिच है, कितना समृद्ध है, कितनी व्यापकता लिए हुए है। और उन्होंने बिल्कुल एक कंपेरेटिव चार्ट भी दिया है ईसाई धर्म की तुलना में, यहूदी धर्म की तुलना में, इस्लाम धर्म की तुलना में, और हिंदुत्व की तमाम अच्छाइयों के साथ साथ जो हिंदुत्व में जो मंथन हुआ, जो एक आंतरिक सुधार आया, जो कि बुद्ध और जैन के रूप में आया, और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की महिमा जो पूरी युग एक तरह से चारों दिशाओं में फैली, और किस तरीके से तमाम पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति की तूती बोलती रही कि वहां तमाम मंदिरों का निर्माण हुआ, तमाम भारत की संस्कृति का वो नजारा देखने को मिलता है, चाहे वो कोरिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो,
और तमाम सुमात्रा जावा के द्वीपों में किस तरीके से भारतीयता वहां पर बिल्कुल आज भी दमक रही है, चमक रही है, सबका वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। कैसे भाषा का विकास हुआ, कैसे संस्कृति का विकास हुआ, कैसे संस्कृति संस्कृत जो भाषा है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा, हिंदुत्व धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म, और हिंदुत्व में क्या अपने तरफ से कमी आई, और हम सब जानते हैं इस बात को, उन्होंने उनकी किताब में ये पुष्ट कर दिया कि हिंदुत्व के सामने जो सबसे बड़ी खामी थी जिसको लेकर के देश गुलाम हुआ, जिसको लेकर के राजनीतिक एक तरह से पूरा राजनीतिक जो है तकदीर बदल गई हिंदुस्तान की, वो था कि हमारे समाज में जाति प्रथा बहुत तीव्र थी, छुआछूत बहुत तीव्र था, ऊंच नीच और वर्णाश्रम व्यवस्था काफी प्रिवेल कर रही थी। उन्होंने अपने पुस्तक में ये दिखाया है कि हिंदुत्व जहाँ अन्य धर्मों के प्रति बेहद सहिष्णु था, बेहद उदार था, पंथों को पूरी स्वतंत्रता थी, धर्म का पूरा लोकतंत्र था, सोचने की आजादी थी, जिसके जरिए हिंदुत्व के अंदर ही अनेकानेक पंथ आए, अनेकानेक मत आए, अनेकानेक जैसे कि बुद्ध जैन और फिर सिख का आगमन हुआ, सिख धर्म का आगमन हुआ, और फिर हिंदुत्व समाज में ही 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में जो तमाम क्रांतिकारी उद्घोष हुए, जिसमें कि हिंदुत्व को एक तरह से नई मजबूती दी गई, भारत राष्ट्र को नई मजबूती दी गई, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने अपने धर्म सुधारों से कर की, ब्रह्म समाज की स्थापना करके की, फिर महादेव गोविंद रानाडे का काल, केशव चंद्र सेन आए, फिर महर्षि दयानंद आते हैं और उन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना करके कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मजबूत बनाने का प्रयास किया, फिर जो है रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंदो, गांधी, इन लोगों की जो पूरी श्रृंखला है जी। किस तरीके से ये महापुरुष भारत के समाज को, भारत की राजनीति को, भारत के जनजीवन को, भारत के दर्शन को किस तरीके से संपुष्ट करते गए हैं, और उन्होंने दिखाया है कि हिंदुत्व में अगर तमाम कमियां थी तो हिंदुत्व में वो अच्छाइयां थी जो दुनिया के किसी धर्म में नहीं थी, जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनी, और किस तरीके से भारत का एक पूरा कंपोजिट कल्चर तैयार हुआ अलग अलग युग में, अलग अलग कालखंड में, और एक उन्होंने यह भी दर्शाया है कि फिर भी एक सनातन धर्म चला रहा है, क्योंकि इसी हिंदुत्व में ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति हुई, बुद्ध और जैन धर्म आते हैं, और फिर बुद्ध और जैन भी का एक तरह से उसी हिंदुत्व के साथ जो है एक संधि हो जाती है, और फिर वही लोग पुनः हिंदुत्व की ओर वापस आते हैं, फिर उसी हिंदुत्व में भी जो छोटी जातियां हैं कैसे वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होती हैं, कैसे हिंदुत्व ने इस्लाम के जीवन शैली को प्रभावित किया, और कहीं ना कहीं इस्लामिक जीवन शैली में, इस्लाम धर्म में जो सूफी का कल्चर आया है वो भारत के समाज के प्रभाव की वजह से आया है, हिंदू धर्म की आंतरिक विशेषताओं की वजह से वो प्रभाव आया है, जबकि इस्लाम धर्म का फंडामेंटल कहीं सूफी धर्म के फंडामेंटल से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कल्चर को भी भारतीय समाज में और हिंदुत्व के समाज ने प्रभावित किया। यूरोपीय जो आगमन होता है, नए नए ज्ञान, नई नई बौद्धिकता, विज्ञान और तकनीक का आगमन, खुली सोच और हर तरीके के अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ एक तरह से जो यूरोपीय 17वीं, 18वीं शताब्दी में जो विजय पाते हैं और पूरी दुनिया पर उनका एक तरह से आधिपत्य जमता है, न केवल राजनीतिक आधिपत्य साम्राज्यवाद के जरिए बल्कि सांस्कृतिक आधिपत्य, जीवन शैली, और उससे कहीं ना कहीं 18वीं, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज भी प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं पूरे 5000 साल का जो इतिहास है भारत का, जो जनजीवन है, जो संस्कृति है, जो आध्यात्मिकता है, वो इस पूरी किताब में प्रकट होकर के आई है। लेकिन लेखक का जो अपना जो एक तरफ से जो विचार है, जो उन्होंने उपसंहार में लिखा है, वो ये कहते हैं कि भारत देश इसलिए नहीं जाना जाएगा कि भारत में कितनी ज्यादा एक आर्थिक समृद्धि आती है। भारत अपने दुनिया में अपना जो प्रभाव डालता है वो अपने अध्यात्म, दर्शन, विचार और धर्मों की जो एक गहराई की जो सोच है, तमाम पंथों का आगमन और जो एक निवृत्ति और प्रवृत्ति, दो शब्दों का बार बार किताब में उल्लेख हुआ है, तो भारतीय निवृत्ति की ओर हमेशा ही वो रहा है, यानी कि लोग सन्यासी बनते थे, मुनि बनते थे, त्यागी बनते थे और ये मानते थे कि यह जीवन अधूरा है, हमें आगे के जीवन के लिए अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए संन्यास का मार्ग अपनाना होगा। लेकिन वही भारत 18वीं शताब्दी में जाकर के प्रवृत्ति की ओर जाता है और स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व को एक तरह से नए सिरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हिंदुत्व में अगर कुरीतियां भी हैं तो वह कुरीतियां भी हम उसको एक तरह से एडवांटेजियस फैक्टर बना सकते हैं, हम उसको अपने फायदे का फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं यूरोपीय कल्चर के तहत भौतिक विकास हो हमारे देश का, विवेकानंद उसका भी उद्घोष करते हैं और यूरोपीय लोगों को वो हिंदुत्व की ओर जाने का शांति मार्ग अपनाने का उपदेश देते हैं और भारत के लोगों को वह यूरोपीय मार्ग अपनाने का एक तरह से संदेश देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संपूर्ण मार्ग जो है, कुल मिलाकर ये कहा जाए मनोहर मनोज जी की आध्यात्मिकता और भौतिकता को लेकर जो है वो सामंजस्य स्थापित करने की तरफ इशारा था। तो बातें तो बहुत है और उन्होंने एक तरह से उंगली उठाई है जहाँ जहाँ कमियां थी, चाहे वो इस्लाम में भी जो कट्टरता आई, जो इस्लाम में जो धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता नहीं है उसको लेकर के भी लेखक ने सवाल उठाए हैं, जो सांप्रदायिकता का क्या जड़ था उसको लेकर के भी सवाल उठाए हैं और कैसे पोगा पंथियों ने एक तरह से तमाम वेस्टर्न इंटरेस्ट ने निहित स्वार्थियों ने धर्म और समाज का कबाड़ा किया, उन सबका रामधारी सिंह दिनकर ने बेहद वस्तुनिष्ठ तरीके से उल्लेख किया है। और भारतीय समाज के, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5000 साल के जीवात्म को जीवंत स्वरूप प्रदान करने का कार्य भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के जरिए रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। बिल्कुल वीर रस के कवि थे और निष्पक्ष भाव से उन्होंने जो भी तमाम उस समय की विषमताएं थी या जो समानताएं थी विश्व को संदेश देने के लिए भारत की संस्कृति को उन्होंने उकेरा है और संस्कृति के कारण निश्चित रूप से पाठकों को पढ़ना चाहिए। और सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, ये उनका मर्म था, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच सकारात्मक है और एक जैसी है और भारत की मजबूती के लिए ये जानकारी जरूरी है। और आपने इस किताब को पढ़ा है और इस माध्यम से आरजे सुमाणी को आपने ये जानकारी दी है, इसके लिए मनोहर मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, जय हिंद।